मतदान का दिन जैसे जैसे पास आता जा रहा है, लोकसभा चुनाव की तपिश भी बढ़ती जा रही है। देश में चार शब्दों का एक नारा कानों में गूंज रहा है। आप समझ तो गए होंगे कि यहाँ हम कौन से नारे की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अब की बात 400 पार। लेकिन अपने आप को मजबूर बताकर चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस कमजोर तो कतई नजर नहीं आ रही। नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश चुनावी मैदान। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है और पिछले 10 सालों से मोदी के चेहरे पर भाजपा का गढ़ बना हुआ है। पिछले 10 सालों में न केंद्र सरकार बदली और न ही चुनाव लड़ने वाला चेहरा। एक बार फिर से मोदी के चेहरे पर देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। राजस्थान में 25 में से एक सीट टिकट वितरण के साथ ही काफी चर्चाओं में रही। आप समझ तो गए होंगे कि यहाँ कौन सी सीट की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं जयपुर शहर की, जहाँ कांग्रेस को टिकट की घोषणा के चौथे दिन ही अपने उम्मीदवार को बदलना पड़ा। सुनील शर्मा विवादों के चलते मैदान से पीछे हटे तो विधानसभा चुनाव में नए चेहरे से हार झेलने वाले सरकार के कद्दावर नेता और मंत्री खाचरियावास ने हिम्मत दिखाई और मैदान में कूद पड़े। जयपुर लोकसभा सीट, जिसको भाजपा का अभेद किला माना जाता है। अब आपको थोड़ा इतिहास के बारे में बताते हैं। सन 1989 से लेकर 2019 तक जयपुर लोकसभा सीट पर भाजपा अपना परचम लहराती आ रही। हालांकि 2009 के चुनाव में कांग्रेस के महेश जोशी बाजी मारते नजर आए, लेकिन 2014 में फिर से मोदी लहर आने के कारण बीजेपी के रामचरण बोहरा लगातार 2 बार सांसद बने और पिछले चुनाव में 9,24,065 वोट लेकर जयपुर लोकसभा सीट के सांसद बन गए। 2019 के चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद रामचरण बोहरा पर इस बार बीजेपी ने भरोसा नहीं जताया और जयपुर शहर से ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेला। बीजेपी ने जयपुर लोकसभा सीट से मंजू शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। आपको बता दें कि मंजू शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ कद्दावर नेता भंवरलाल शर्मा की बेटी हैं। भंवरलाल शर्मा बीजेपी से कई बार विधायक रह चुके हैं, अब पार्टी उनकी बेटी पर विश्वास जता रहे हैं। कहा जाता है कि पीएम मोदी की पसंद पर मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है, इस वजह से रामचरण बोहरा का टिकट काटा गया। मंजू शर्मा मौजूदा समय में महिला प्रवासी अभियान की जयपुर प्रभारी है। वो पार्टी से काफी समय से जुड़ी हुई है और 64 वर्षीय मंजू शर्मा बीजेपी की पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री भी रह चुकी है और जयपुर शहर की स्थानीय निवासी होने की वजह से अन्य महिलाओं के नाम की जगह मंजू शर्मा पर दाव खेला गया है। अब बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी ने जयपुर लोकसभा सीट से सुनील शर्मा को लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया था। लेकिन अभी सीट पर चेहरा बदलते हुए कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने और जनता की नाराजगी के कारण सुनील शर्मा का टिकट काटा गया और इसके पीछे की कहानी भी आप सभी को पता है। आपको बता दें कि प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। राजपूत समाज से आने वाले खाचरियावास पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह के भतीजे हैं और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने अपना सियासी सफर बीजेपी से शुरू किया था और राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और एक समय ऐसा भी था कि जब खाचरियावास वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते थे, लेकिन सन 2004 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जयपुर शहर सीट पर बात की चुनावी समीकरण की, लेकिन जब तक जातीय समीकरण की बात ना हो तो बात अधूरी सी रहती है। जयपुर शहर सीट पर मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या करीब 22 लाख से ज़्यादा है। जयपुर शहर सीट पर जातीय समीकरण थोड़े उधेड़बुन वाले नज़र आ रहे हैं। किसी एक जाति का दबदबा इस सीट पर नज़र नहीं आता, लेकिन ब्राह्मण, राजपूत और जाट समुदाय जीत हासिल कराने में एक बड़ा रोल अदा करते हैं। SC/ST और अल्पसंख्यक वोट बीजेपी के खेमे की चिंता बढ़ा सकते। तो ये थे जयपुर शहर सीट के चुनावी समीकरण, जहां का चुनाव मजबूत वर्सेस मजबूर में नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी की सांख दांव पर लगी है अपने अभेद किले को बचाने में, तो वहीं कांग्रेस किले में सेंध मारने के लिए जनता के बीच मार्मिक अपील करती हुई नजर आ रही। जयपुर शहर सीट का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। अगली घड़ी में ऐसी ही एक और सीट से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।